उन्नाव में एक हेल्थ कैंप में 40 से ज़्यादा लोगों के एचआईवी से पीड़ित होने का मामला सामने आया है। ये सभी लोग गांव के एक झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते थे, जो सभी मरीजों के लिए एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करता था। इस इलाके में एचआईवी पीड़ितों की संख्या 500 के आसपास होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जब पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कैंप लगाया तो पता चला कि इस इलाके के करीब 40 लोग एचआईवी से पीड़ित हैं। इस कैंप में करीब 500 लोगों की जांच की गई। इतने सारे लोगों के एक साथ एचआईवी पॉजिटिव निकलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। जब जांच की गई तो पता चला कि ये लोग किसी झोला छाप डॉक्टर के यहाँ इलाज कराते थे, जो एक ही सिरिंज इस्तेमाल करता था। फिलहाल एचआईवी ग्रस्त मरीजों को कानपुर के एंटी रिट्रोवायरल सेंटर रेफर कर दिया गया है। एचआईवी जो है काफ़ी लोगों को निकला है, अब ये है इसकी जांच वाँच लोग आए थे, कैंप लगाए हैं यहाँ पे, तो उससे हम लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ है कि जो है 30-35-40 लोग लगभग हो गए हैं यहाँ पे। 10 रुपये में जो है इस सिरिंज का इस्तेमाल कई आदमी का करता है। जैसे एचआईवी स्क्रीन टेस्ट हो रहे हैं प्रेमगंज, किरमिद्दीनपुर और शिकमियापुर में कैंप लगा के स्क्रीनिंग की गई, जिसमें कि कुछ केसेस पॉजिटिव पाए गए। पुलिस ने आरोपी झूला छाप डॉक्टर के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है। इस मामले में आगे जांच की जा रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि अगर सभी लोगों का मेडिकल चेकअप किया जाए तो ये संख्या 500 तक पहुंच सकती है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी महंगी है कि लोगों को सस्ते इलाज के लिए झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत पड़ रही है। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।